वेलकम बैक टू माई चैनल और आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और जो है आज जो व्लॉग शूट करने लगी हूँ दैट इज़ समथिंग डिफरेंट इन द सेंस के आज जो आप लोगों को दिखाने लगी हूँ ये तमाम मेरी पेंटिंग्स होंगी, मेरा आर्ट वर्क होगा। ऑब्वियसली आर्ट वर्क जो है हर कोई बड़ा ही कोई जो इसके आर्ट वर्क के शौकीन होते हैं उन लोगों के लिए बड़ा ही कोई अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और आई थिंक के हर एक बंदे में जो है ना एक बिल्ट इन यानी गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट होता है कुछ ना कुछ, और स्पेशली जो टॉरस होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड होते हैं। लेकिन कुछ लोगों में जो टैलेंट है वो बिल्ट इन होता है, कुछ लोगों में नहीं, गॉड गिफ्टेड हर एक में होता है। लेकिन आप लोगों पर है कि आप लोग उसे एक्सप्लोर करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उसको अपने हॉबीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो जब मुझे अपने लिए टाइम मिलता है, कुछ मेरा कुछ ऑफ चल रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो भी मेरा आर्ट से रेलेवेंट जितना भी कुछ है मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ घर में क्रिएटिव काम करूँ। और क्रिएटिविटी में की जब हम बात करते हैं तो आ जाता है पेंटिंग्स आ जाती हैं, कैलीग्राफी आती हैं। कैलीग्राफी जो है वो मेरे अंदर जो है गॉड गिफ्टेड थी, ठीक है। मेरे जो अगर देखा जाए तो मेरे दादा से इनहेरिट हुई और दादा मेरे कैलीग्राफी के बहुत एक्सपर्ट थे। उसके बाद जो है वही चीज़ जो है मेरे अंदर खुद का खुद कहाँ से आई मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने कैलीग्राफी में जो है फर्स्ट पोजीशन अपनी विन की थी इंटरमीडिएट के में। कुछ पोइट्री थी वो बनानी थी और जो है उसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन विन की और तब से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ और फिर मैंने कैलीग्राफी में जो है आगे बढ़ती गई। अराउंड 2016 में मैंने काफ़ी सारे पेंटिंग से स्टार्ट किए, ब्रशेस पकड़ने नहीं आते थे, कुछ नहीं पता था कि किस तरह से होगा, क्या करना होता है, कहाँ से चीज़ें बाय करनी होती हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो फिर मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी कि कहाँ से आप कराची के अंदर बहुत सस्ता और बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव अपना जो है पेंटिंग से रिलेवेंट चीज़ें ले सकते हैं। सो गाइज बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें और मज़ीद मैं आप लोगों को चीज़ें बताती रहूँगी टाइम टू टाइम, लेकिन जो है मैं आप लोगों को आज अपनी बहुत ही दिल अजीज़ जो पेंटिंग्स हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। सो गाइज डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आपको जो है अपनी जितनी पॉसिबल पेंटिंग्स हैं वो मैं आज अपना दिखा सकूँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी मैंने कुछ पेंटिंग्स अपने स्टोर रूम से भी निकाली है, कुछ मैंने अपने जो हैंग हुई थी उनसे भी निकाली, पूरा घर मेरा आर्ट गैलरी बना होता है। और जो है उसमें से कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी कैलीग्राफी पेंटिंग्स हैं जिसके अंदर कुछ की हालत नासाज है। अब ये देखिए, ये अगर आप इसे जो लोग समझ सकते हैं पेंटिंग की नॉलेज है तो ये कैलीग्राफी आर्ट है और यहाँ जो ये लिखा हुआ है वो है अल्लाहु अकबर, ठीक है। और ये जो है ये मैंने अपना लगाई हुई थी पेंटिंग, तो ये काफ़ी सब चीज़ें ये पूरा आपको दिख जाएगी। सो हियर वी गो, नाउ आई एम गोना शो यू माय नेक्स्ट पेंटिंग। अभी सब कुछ जो है ना मैं आपको कैलीग्राफी से रिलेवेंट दिखा रही हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट पेंटिंग, जब मुझे ब्रशेस और अपना कुछ भी यूज़ करना नहीं आता था। इट वॉज़ माई फर्स्ट कैनवस जो कि मैंने अपना किया था और इसमें जो है कोशिश मेरी यही होती थी कि इसमें कोई गलती मुझसे ना हो। और ये देखिए बहुत 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 ही कोई क्रिएटिव जो है मेरी बहुत फेवरेट है ये भी, रब्बुस समावात नूरुस समावात वल अर्ध, इस तरीके से पेंटिंग है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा। आप लोग जो लोग आर्टिस्टिक हैं इस चीज़ों पे वो करते हैं बहुत ज़्यादा फोकस, या फिर जो है बहुत क्रिएटिव माइंडेड हैं, तो उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। और जो कैलीग्राफी के शौकीन हैं, जो मुस्लिम्स जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड रहते हैं और कैलीग्राफी के शौकीन हैं, उन लोगों के लिए ये है। ऑब्वियसली मैंने किसी से नहीं सीखा तो इसमें
आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, लेकिन जो है जितना भी मेरा शौक होता है ये सारा कुछ जब भी आप, अच्छा देखिए जो भी आपका बिल्ट इन टैलेंट होता है लाइक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसे करते हो अपने जो भी आपका क्या कहूँ उसे स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है. अगर आपके ऊपर कोई भी टेंशन है, कुछ भी है, अगर आप अपना फेवरेट काम करते हो, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो कलरिंग करते हैं जस्ट उनका स्ट्रेस रिलीज हो रहा होता है. इसी तरीके से जब मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एग्जॉस्ट हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, सिंपल इज दैट कि मुझे कलर्स चाहिए होते हैं. कलर्स जितने वाइब्रेंट कलर्स होंगे या फिर मैं कलर्स के साथ कुछ क्रिएटिविटी कर रही होगी तो मेरा जो भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो रिलीज हो जाता है और मैं एक इनर हैप्पीनेस मुझे फील होती है. सो अब जो मैं आपको पेंटिंग दिखा रही हूँ वो तो मेरी बहुत 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 मेरी फेवरेट पेंटिंग है. ये देखिए, आई होप कि आप लोगों को दिख रही होगी. ऑब्वियसली एक मैं कोशिश करूँगी कि ये देखिए, ये बहुत ही क्रिएटिव पेंटिंग जो है मेरी जो भी एक गैलरी है उसके अंदर जो है ये बहुत बहुत क्रिएटिव आर्ट पीस है जो मैंने क्रिएट किया और ये मेरा बहुत फेवरेट है. ये देखिए, दिस इज़ द पेंटिंग और मैं कंप्लीट लुक भी आपको एक दफ़ा कोशिश करूँगी कि एट द एंड आपको दिखा सकूँ. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल राइट, सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा था अपना कुछ कैलीग्राफी आर्ट वर्क, उसके बाद अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ मैं आर्ट वर्क आपको जो दिखा रही हूँ, दिस इज़ ये कुछ लोगों को स्पेशली मेरी जो इन लॉ हैं उनको बड़ी पसंद आई थी पेंटिंग. और ये एक मॉडर्न गर्ल आर्ट लुक है और ये था. देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो पेंटिंग्स मेरे करीब करीब हैं. कुछ पेंटिंग्स फेड हो गई हैं ऑब्वियसली, काफ़ी टाइम हो गया है, अराउंड 3 years back or 4 years back ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं. और ऑब्वियसली मैंने कुछ नया काम अभी नहीं किया. अगर आप लोगों को पसंद आता है काम तो ऑब्वियसली मैं फिर दोबारा से आप लोगों के सामने कुछ क्रिएटिव करना स्टार्ट करूँगी और आप लोग मेरी एक तरह से मोटिवेशन है. अच्छा, ये पेंटिंग अगर आप देखें, जितने भी पेंटिंग बनाना स्टार्ट होते हैं वो लाजमी अपने जो शिप की पेंटिंग है ना वो मैंने ज़रूर देखा है कि वो लोग शिप की पेंटिंग ज़रूर कैनवस पर लेकर आते हैं अपने. और ये एक पेंटिंग है जो कि आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ी है. कैनवस साइज डिफरेंट लिए थे और हर एक पे जब जैसा मूड होता है, जैसी थीम का मूड होता था, जब टाइम मिलता था, जैसा मूड होता था उस तरह से मैंने क्रिएट किया है टाइम टू टाइम. सो ये मेरी पूरी फेवरेट पेंटिंग्स हैं. अच्छा, एक जो आपको मैं पेंटिंग दिखाऊं, कुछ मेरी पेंटिंग्स जो ऐसी हैं जिनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है लाइक दिस. अगर आप ये पेंटिंग देखें, आपको दूर से दिखाती हूँ क्योंकि ये पेंटिंग बहुत लंबी है. और अगर आपको ये पेंटिंग की समझ लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने क्या क्रिएट किया है. कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता, कुछ लोग इसको यूं करके भी देखते हैं. और ये पेंट जो मैंने किया है, अगर आप लोगों में से कोई गेस कर सकता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये मैंने क्या क्रिएट किया है. और कुछ लोगों को फ़ौरन से फर्स्ट जो होता है ना व्यू उसी में समझ में आ जाता है और कुछ लोग इसको समझते रहते हैं मैंने क्या क्रिएट किया. लेकिन अगर आप लोगों को वाकई में कुछ नॉलेज है, कुछ समझ है, समझ बूझ है तो आप लोग ज़रूर मुझे आंसर कीजिएगा कि इस पेंटिंग का आप मकसद क्या है. और अगर आप लोग सही गेस करते हैं और अगर सही नहीं भी गेस करते तो फिर जो है मैं आपको बताऊँगी कि इस पेंटिंग का मकसद क्या है और ये मैंने एक्चुअल में क्या क्रिएट किया है. अच्छा, एक और पेंटिंग जो कि Like this. अच्छा, ये जो पेंटिंग है ये थोड़ा आप लोगों को समझना डिफिकल्ट है लेकिन इसको मैं खुद ब खुद ही समझा देती हूँ आपको. एक 2 years back एक बहुत पेंटिंग इन थी, वो था एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आर्ट वर्क. सो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में क्या होता है कि आप कुछ भी कलर लेते हो, XYZ कहीं पे भी कैनवस पे डालते हो कुछ भी, और आप उसे स्पैचुला या किसी चीज़ की मदद से आप उसे कुछ भी क्रिएट कर देते हो अपनी मर्जी से. और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का कहेंगे मुझे तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लाइव भी करके दिखा सकती हूँ और इसमें बहुत ही कोई अमेजिंगली जो है ना, आप इसमें अगर आप डीप डाउन जाते हो तो बहुत कुछ आपको ऐसा क्रिएटिव नज़र आता है. आप जहाँ से इसको फील करोगे इट डिपेंड्स कि ये वो सीनरी वो सीन्स क्रिएट कर देते हैं कि आपको जो है ना
आई कैची लुक देता है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी मेरी पेंटिंग्स, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोगों की अप्रिसिएशन से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और जो है मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेकर आती हूँ। सो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लवर्स जो भी हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों के लिए कुछ नया क्रिएट करूँ और अपना जो कलर्स का मैजिक है उसे हम दोबारा से लाइव करेंगे। सो अब जो मैं आपको पेंटिंग शो करने वाली हूँ, दिस वन, यस यू आर राइट। सो ये पेंटिंग जो है ना मेरी आज तक की मोस्ट फेवरेट पेंटिंग है। इस पेंटिंग को भी जो गेस कर सकता है वो ज़रूर करे। फिर उसके बाद जो है, या मैं आपको हल्का फुल्का खुद ही बता देती हूँ, एक जो है मैंने आप लोगों पे छोड़ा है ब्लू वाली पेंटिंग, उसका आप लोगों ने मुझे बताना है कि उसकी थीम क्या है, अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए हो। सो नाउ माय मोस्ट फेवरेट पेंटिंग, जो कि मुझे मेरी मॉम से बहुत डांट पड़ती थी क्या बनाए क्या बनाए, क्योंकि जिस कमरे में ये पेंटिंग होती थी वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे इसमें फेसेस बने हुए हैं। सो ये जो पेंटिंग है इटसेल्फ इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड डिफरेंट, और ये जो है ना मैं आपको समझाती हूँ। ऑलराइट, ये जो पेंटिंग है इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे फुल लॉन, काफ़ी सारे इसमें फेसेस बने हुए हैं। सो ये पेंटिंग जो मैंने अपने दिमाग में एक थीम सोच के बनाई थी, तो उसमें ये था दिस इज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के डिफरेंट स्टेजेस हैं, लाइक कभी वो सैड होती हैं, कभी हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आती है, डिफरेंट जो फ्लक्चुएट करती है उनकी लाइफ, उसको देखते हुए जो है ना मैंने अपने कैनवस के ऊपर इसको सारा कुछ बनाया था। और अगर आप ये देखो ये मॉडर्न आर्ट में भी यूज़ हो रहा होता है, और जो है जो डिफरेंट लाइफ इमोशंस फीलिंग्स जो डिफरेंट डिफरेंट आप करते हो, कभी बहुत अनोइंग, कभी बहुत एस्टोनिश, और कभी डिफरेंट डिफरेंट जो फीलिंग्स हैं आपकी अंदर की, जो इनर सोल जो आपको कहती है, मतलब इससे ज़्यादा मैं इसे एलैबोरेट नहीं कर सकती। जो लोग इसको क्रिएटिवली कभी कभी यहाँ, दिस वन, मेरी मॉम जब भी इस पेंटिंग को देखती थी बहुत बहुत डीप डाउन थिंकिंग में जाती थी और बहुत कुछ देख। सो गाइस, आप लोगों को मज़ा आएगा आज के वीडियो में, ज़रूर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली होंगी। सो अब जो है नेक्स्ट मेरा वीडियो किस टॉपिक पे होगा वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने जो अपनी लिस्ट बना रखी है और आप लोगों की जो पेज या फरमाइशें मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मिलती जा रही हैं, उनको जो है मैं वन बाय वन ज़रूर उनको पूरा करूँगी। जो है आई होप कि आप लोग जो है नाराज़ नहीं होंगे मुझसे। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा मैं नए नए वीडियोस देख के और मेरा कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क देख के। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।